हेलो। हेलो। हाँ, मेडिकल हो गया तुम्हारा बीएसएफ का? हाँ सर, हो गया सर। चलो भाई, मेडिकल क्लियर। हाँ सर, मेडिकल पूरा क्लियर सर। थैंक चलो भाई, बधाई हो। यू सर। अभी कहाँ हो? सेंटर पे हो या निकल गए हो? मैं सर सेंटर से निकल गया, मेरा कल हुआ था मेडिकल सर, तो हो गया पूरा सर। अच्छा, तो सेंटर कौन सा था तुम्हारा? मेरे सर जोधपुर से हेडक्वार्टर। अच्छा, जोधपुर सेंटर था। तो हाँ थोड़ा सर, मुझे बताओ वहाँ पे जोधपुर के बारे में, कैसे कैसे मेडिकल हो रहा है और कितना समय लग रहा है वहाँ पे। हाँ, वो सर मैं सर शुरू से बताऊँ सर। शुरू से बताओ। सर ऐसे हुआ सर, जब है ना ठीक 7 बजे सर एंट्री हुई सर। अच्छा, तो जोधपुर का जो सेंटर है वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? नहीं सर, रुकने की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, वो अब अपने स्तर पे आते सर। अच्छा, चलो ठीक है। 7 बजे तुम्हारी एंट्री हुई है? हाँ 7 बजे, एक साथ एंट्री हो जाती है सर, 10-15 मिनट में सारे सारे आ जाते हैं। 24 तारीख को था ना पहले दिन तुम्हारा? हाँ फर्स्ट दिन सर सुबह में, एक एक दिन में मतलब इतने होते हैं, 38 बंदे को ऐसे कुछ बुलाते हैं सर। अच्छा, 30 बंदे बुलाए गए थे। अच्छा, मतलब 38 या 40 बंदे बुलाते सर। मेरा जब मेडिकल हुआ उसमें सर ना 30 मतलब सर, लड़के थे उसके अलावा 3 लड़कियां थी। अच्छा 30 33 हो गए, मतलब 33। हाँ ऐसे कुछ है सर। सर सबसे पहले सर हमको बुलाया तो एंट्री हुई, तब तो सर एडमिट कार्ड मांगा और एक सर ना आधार कार्ड मांगा सर। अच्छा तो वो चेक किया, उसके बाद सर हमको अंदर ले जाकर बिठाया। और एक सर है ना, अंदर खाने पीने की व्यवस्था सर अच्छी नहीं है सर, मतलब अच्छा अच्छा जैसे अंदर जाते हैं सर हमको सर लेके जाना चाहिए उस सर खाने पीने के लिए। चलो ठीक है। अभी खाने की चिंता मत करो, मेडिकल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी मेडिकल हाँ सर बिल्कुल सर। है। तो ये बताओ कि मतलब फिर जब एंट्री हुई थी तो फर्स्ट फर्स्ट डे तुम्हारा क्या हुआ? 2 दिन लग गए ना तुम्हारे मेडिकल में? नहीं सर, मैं सुबह 7 से शाम को 7 बज गए थे। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक तुम्हारा मेडिकल फिनिश हो गया? अरे, हाँ सर। ये तो बहुत ही अच्छा सेंटर है। तो कैसे कैसे हुआ, मतलब ब्लड वगैरह की जांच वगैरह की रिपोर्ट उसी दिन आ गई क्या? सर हाँ, ब्लड की रिपोर्ट मतलब बाहर जैसे मतलब सेंटर से बाहर कहीं सर जो हुआ था टेस्टिंग सर, ब्लड टेस्टिंग, अच्छा ब्लड और यूरिन दोनों टेस्ट हुए थे बाहर सर। अच्छा तो उसकी रिपोर्ट उसी दिन आ गई? अरे, हाँ उसी दिन हाथों हाथ आ गई सर, कोई वो फास्ट प्रोसेस चल रही थी सर, बाहर करवाया ना सर। बहुत बढ़िया यार, तो मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब सुबह 7 से रात के 7 बजे तो मतलब तुम्हें रिलीफ कर दिया बिल्कुल। हाँ पूरा फ्री कर दिया सर। अच्छा, तो और मीन्स उसके बाद क्या हुआ, मतलब जैसे कि तुम्हें मतलब ब्लड जांच के लिए ले गए उसके बाद वापस वापस सेंटर पे लेके आए होंगे? हाँ सर, उसके बाद सर दो लगभग 2 बज गए थे, 2 बजे के बाद सर वो अंदर ले गए सर हमको मेडिकल के लिए सर। अच्छा अंदर ले गए सर, वो सबसे ज्यादा सर जांच हो रही है सर, जैसे अपने पैर के जो पीछे की साइड से होते हैं ना सर, किसी के नसें बाहर आई हुई होती है फुली हुई, ओके 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 वेरी गुड। हाँ, अभी वो सर सबसे ज्यादा अच्छे से चेक हो रहा है सर। तो वो कैसे कर रहे हैं, मतलब पहले तो तुम्हें उछलने को कहते होंगे, मतलब कूदने के लिए बोलते होंगे? नहीं, उछलने को नहीं बोले सर, वो बोले सर पहले से पंजों पे खड़े हो, अच्छा अपने पंजों पे खड़े होते हैं, फिर उसके बाद सर पैर को पीछे करते हैं और पीछे धक्का मारने को बोलते हैं पैर को सर, अच्छा जिससे कुछ मतलब जिसके कोई डाउट होता है उनकी क्या सर, एक पेंसिल से कुछ डॉक्टर लिखते सर, अच्छा फिर उसको वापस अच्छे से चेक करते हैं। और सर एक देख रहे हैं सर कि वो होता है सर एक कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। वो से थोड़ा ज्यादा अच्छे से देख रहे उसको सर। अच्छा, कितने डॉक्टर थे और मतलब वहाँ पे? 3 डॉक्टर लाए थे। हाँ 3 डॉक्टर, तो एक डॉक्टर मतलब करीब 10 बच्चों को हैंडल कर रहे होंगे? हाँ नहीं, एक डॉक्टर 10 ऐसे 10 बंदों को देखते हैं, फिर बाद में वापस 10 को बुलाते सर। अच्छा, वो तीनों जने ही देख रहे थे कहने का मतलब? हाँ सर, अच्छा, तो फिर ये बताओ कि और क्या क्या जांच हुई, मतलब इसमें आईज में क्या क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे देखा गया? आँख के अंदर सर, आँख को सर पहले सर एक सर ना 6 मीटर आगे, 6 मीटर आगे सर एक एक छोटा सा पैर चार्ट लगा जाता सर। हाँ बिल्कुल, उस चार्ट के अंदर सर सारी एबीसीड लिखी होती है, वो मतलब उसका कोई क्रम नहीं होता, ऐसे ही लिखी होती है उल्टी सीधी से। वो तो वो सर पढ़ाते हैं, सबसे ऊपर बड़ी होती है, उसके बाद थोड़ी छोटी मतलब होती है, ऐसे ऐसे करके सर बहुत छोटे अक्षर होते हैं सर, 5-6 लाइन होती है। और फिर इसके बाद फिर क्या हुआ उससे, मतलब तुम्हारी आंखें देखेगी, टार्च वगैरह से भी देखेगी? हाँ आके देखी गई सर पूरी। और उसके बाद वो जो होता है ना कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वो पढ़वाते सर इसके अंदर कुछ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसरा चार्ट, तो वो चार्ट पढ़वाया गया तुमसे, वो कलर मतलब दिखाए गए होंगे वो? हाँ कलर वाला पढ़वाया, और एक सर इंग्लिश में कुछ पेज लिखा हुआ दिया सर, अच्छा तो उसमें वो बोले सर पढ़ो सर। तो एक्चुअली मेरे को सर क्या इंग्लिश नहीं आती है सर, मेरे को हिंदी आती है, तो वो उन्होंने बोला कि ऐसी कुछ पढ़ ले जैसे ABC ऐसी पढ़ ले, ऐसी मैंने ऐसी पढ़ लिया। हाँ, तुम और मतलब नजदीक का देख रहे हो पॉइंट वगैरह, मतलब नंबर्स वगैरह कितने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कमजोर तो नहीं है? हाँ सर,
और सर क्या सर वो एक सर नाक का तो ना सर नाक को सर ऐसे मतलब वहां पे ऐसे बच्चे देख रहे। हाँ मतलब आईज में बच्चे बाहर हुए वहां पे, कुछ देखा तुमने? सर दो हुए थे सर, अच्छा तो क्या था मतलब, कितना नंबर वगैरह था, कुछ बताया था उनको? वो नंबर सर इतना हमको नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम सर 10 बंदे होते हैं ना सर, तो हमको हमको हमारा पता होता है सर, बाकी बंदे सर उनका नहीं पता चलता सर हमके वो कौन सा क्या है क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा मतलब ठीक था, तुम्हारे आईज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी ना? मेरा ठीक था सर, उसके बाद सर क्या है वो जब बाहर आता ना सर, तो उसमें कुछ बताते नहीं सर, जैसे सबको बिठाते हैं और लास्ट टाइम जिसको जिसका क्वालिफाई हुआ ना उनको बाहर भेज दो आप, और नहीं हुआ उनको सर कुछ एक फॉर्म दिया हुआ जाता है और उसके अंदर ना 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप री मेडिकल करा सकते हैं 24 घंटे के अंदर। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, आईज के बाद फिर तुम्हारी नोज वगैरह देखी गई? हाँ तो नाखून देख रहे सर ऐसे सर हिला के देख रहे सर कि कुछ टेढ़ा हो या कुछ ऑपरेशन हुआ हो या कोई वो होता ना सर एक वो जी हाँ सर्जरी वगैरह कुछ होती सर, तो वो हाँ चेक कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और और कुछ, सर और गला वगैरह भी देखा गया होगा? हाँ सर देख रहे सर उसमें एक और देख रहे सर कि जो जिसके सर है ना वो एक वो निशान होता है सर जन्म से उसका क्या बोलते हैं लहसुन क्या बोलते हैं उसको सर कुछ लहसुन? होता है हाँ, तो वो चलता सर। हाँ मतलब जैसे और बाई बर्थ जो है निशान बॉडी पे, जैसे व्हाइट कलर हो जाता है, लहसुन वगैरह बोलते हैं, व्हाइट या ब्लैक कलर, वो चलता है? हाँ सर वो जैसे जन्म से सर एक एक काला सा धब्बा सा ऐसे निशान होता है सर गले में कहीं हाथ से हाथ हाँ मैं के समझ गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता है बच्चों के, बहुतों के होता है। वो सर मेरे था सर गले के अंदर, तो नहीं मेरे भी खुद है। वो सर क्या चेक किया ना सर, वो चेक किया तो बोल रहे सर तो चलता है कुछ नहीं, और जो हाथ में टैटू वगैरह होते हैं सर हाँ टैटू का बताओ क्या, वो बिल्कुल तो उनको सीधा पॉइंट दे रहे सर, सीधा पॉइंट? हाँ सीधा पॉइंट दे रहे दिया जा रहा है 24 घंटे के अंदर, अब 24 घंटे में कौन सर्जरी कराएगा कौन करेगा ऐसे कोई करने अच्छा से। ये बताओ कि टैटू में कोई तुम्हारे सामने बाहर निकला बच्चा? उन्होंने सीधा बोला था डॉक्टर ने, हम जब अंदर गए ना सर जिसके भी शरीर में कहीं भी टैटू वगैरह हो वो पहले साइड में हो जाओ ऐसे बोल दिया। अच्छा शरीर में कहीं पे भी हो? हाँ कहीं भी टैटू हो तो साइड हो जाओ, लेकिन सर मेरे क्या टैटू वगैरह कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हमारे जो 10 बंदे थे उनमें कुछ किसी का था नहीं, अच्छा और मैंने देखा सर तीन चार लड़के सर ना कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो उनको दिया सर ऐसे कुछ। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस भी देखते हैं वो, कलर ब्लाइंडनेस में बच्चे बाहर हो जाते हैं। उसमें से तीन चार के लेकिन सर उसमें थोड़ा सा समस्या भी आ रही है सर, जैसे सर है ना जैसे वो एक सर एक आंख बंद करके और एक आंख खुली रख के दिखाते हैं सर कुछ चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है सर कि एक बार जैसे एक आंख बंद करते हैं सर तो उसमें सर देख लेते हैं सर, दूसरी बार एक अचानक बंद करते हो तो वो एक मतलब ऐसा हो रहा है सर कि मतलब अब धुंधला, कंफ्यूज हो हाँ जाते हैं थोड़ा सर। धुंधला सा हो जाता है बिल्कुल। हाँ ये थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी 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 करने की वजह से दिक्कत आ जाती है बच्चों को। हाँ सर थोड़ा सा मतलब रुकना पड़ता है सर, मेरा ऐसे हो रहा था सर, मैंने उनको बोला सर एक मेरे से 1-2 मिनट का टाइम दो सर, मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब हो रहा था मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया सर। हाँ नहीं बिल्कुल, तुमने सही किया, बिल्कुल बिल्कुल। वो जल्दी करने की वजह से ना, वो तो भाई अपना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी करने की वजह से बच्चों को दिक्कत हो जाती है। हाँ क्योंकि सर 1-2 मिनट तक सर एक आंख बंद रहती वापस उसको खोलते हैं ना एक खुली रहती एक बंद रहती, तो वो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग हो जाता सर थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और एक जो सर तुम्हें वो जो चार्ट पढ़वा रहे थे, वो एक एक आंख बंद करके पढ़वा रहे थे, पहले राइट से करवा रहे होंगे फिर लेफ्ट से करवा रहे होंगे, है ना? नहीं डायरेक्ट पहले से डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़वाया सर दोनों आंखों से पढ़ाया सर, अच्छा फिर उसके बाद एक आंख पर है ना वो एक ना मतलब होती है ना पट्टी होती है ऐसे कुछ वो रखी जाती है सर, हाँ। अब बोले एक आंख से पढ़ो और एक आंख सर क्या दोनों आंख भी खुल जाती है सर, ऐसे हाथ लगा नहीं देता सर, आंख से हाथ लगा दें तो ठीक है सर लेकिन वो हाथ से बंद करने नहीं देता सर, वो पट्टी रखते हैं सर। अच्छा पट्टी रखते हैं। हाँ तो वो समस्या होती है सर कि कभी कभी दोनों आंखें खुल जाती है सर, तो एक आंख से पट्टी दिखती है सर वो फिर वो हो जाता है सर ऐसे ऐसे होता है। और सर वेट वेट चेक किया सर, अच्छा हाँ ये बताओ, हाइट हाइट चेस्ट वेट तीनों देखा गया होगा ना? हाँ सर जब ऐसा लग रहा है सर किसी को डाउट हो रहा है सर उनको अपने डॉक्टर साहब को सर, तो वो सर जैसे डाउट होता है सर सीधा सर है ना हाइट देखता है वेट जिसका वेट बड़ा होता है सर, तो वो ऐसा उनके कुछ है सर कि इतना इतना किलो वेट पे इतनी हाइट होनी चाहिए इस तरह से सर। हाँ बिल्कुल, चार्ट होता है उसका, चार्ट है मेरे पास। हाँ तो वो इस तरह से सर वो देख रहे हैं, और जो मतलब दिख रहे हैं सर मतलब नॉर्मल दिख रहा है सर, तो उनके सर हाइट भी चेक नहीं कर, उनको सीधा बोलते हैं सर कि हाँ तेरी हाइट कितनी है, तो ऐसे बोलते वो लिख देते डॉक्टर साहब, बाकी जिसको डाउट होता है उनको चेक करते हैं। और सर वो जो है ना ऐसे सर बैंड करके सर ना जो है ना अपनी रीढ़ की हड्डी है ना सर, हाँ हाँ रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को सर वो थोड़ा सा चेक करे सर ठीक से चेक करे। हाँ वो ये सब कुछ चेक होता है, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी, और तुम्हारे ये जो कैरियंगल वगैरह देखा गया होगा, हाथ को मतलब हाथ में उसको देखा गया होगा, हाथ हाथ को सीधा करके, फिंगर हाँ सर हाथ को सीधा करे थोड़ा सा ऐसे वो टेढ़क हुआ होता तो समझ आती सर उसमें तो। वगैरह देखे होंगे।
हाँ सर, वो बस पहले से बोलते हैं कुछ सर ना, ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या से कुछ हो, ऐसे कुछ पूछते थे सब। और एक सर फॉर्म दिया जाता है सर, फॉर्म में सर सारे सर 25-30 सर ऑप्शन होते हैं उसमें सर। अच्छा तो उस फॉर्म में सर लिखा होता है कि आप अस्थमा से पीड़ित हो, ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे आपकी कोई जेनेटिक्स बीमारी हो नहीं हो। तो इसमें सर क्या कि हम तो सर डायरेक्ट सब सिर्फ में नो नो किया सर हम सर। हाँ चलो ठीक है, वो तो फॉर्म तुमने भर लिया। अच्छा ये हाँ बताओ सर, कि वो नौकनी वगैरह देखी गई, हाँ नौकनी सर अच्छे से देख रहे सर। नौकनी कैसे देख रहे, लिटा के देख रहे खड़ा करके। कभी कभी सर है ना, किसको मतलब ज्यादा हो रहा है सर उसको सर लेटा देख रहे। लेकिन सर ऐसा कभी कभी क्या होता है सर, वो मिला है, वो पूछ रहे सर दोनों सर एडी मिला हो सर, ऐसे वो बोले सर दोनों हाँ दोनों एडी मिला के। अच्छा एडी मिला। और वो आगे सर आगे है ना, आगे वाले जो है ना दोनों अंगूठे नहीं मिलने चाहिए और एडी मिलनी चाहिए, ऐसे बोले सर। मतलब एडी को मिला के आगे के जो पंजे उन्हें खोल करके फिर वो नोकनी देख रहे होंगे। हाँ वो देख रहे हैं। फिर इसके बाद सर अगर थोड़ा सा है ना अपन खुद एक्टिव रहे ना, थोड़ा पीछे खींच दें तो हो जाता हाँ वो तो है क्या, लेकिन ना बहुत ऐसा नहीं हो पता, फिर वो देखते हैं अगर उन्हें लगता है तो टांगों में मारते भी हैं, तुम्हें पता है फीते से होते डंडे से क्यों ये सर। अरे पैरों सर वो सर उनके सामने ऐसा करना पड़ता सर, जैसे मतलब आगे होता ना, आगे आते डॉक्टर सर की। तो हम मैं सिर को पैर को पीछे कर लेते थोड़ा सा ऐसे, और वो जब पीछे जाते तो अपन का सामान रहना है सर, तो हो जाता है ऐसे अच्छा ये बताओ कि कोई बच्चे बाहर हुए तुम्हारे सामने नौकनी में। मेरे सामने सर। 2 बंदों से दिक्कत है सर आज कुछ। अच्छा और फ्लैट फुट देखा गया। हाँ सर देख रहे सर, अच्छा और जिसको सर जाना ऐसे देख रहे हैं नॉर्मली, बाकी जिसको ज्यादा हो रहा है उसको समस्या लग रही है सर। तो उसका सर पैर सर पे ना धोके से ऐसे पैर धोते सर ना, और फिर धूल में पैर करके सर एक एक कागज पर रहना ना, उसको पैर रखवाते सर। हाँ वो पैर को धो करके धूल में पैर रखोगे तो उसके यहाँ पैर के छाप देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है। हाँ सर, वो उसको भी चिपका देता है, वो कागज पे लग जाता है ना वाइट पे, तो पता चल जाता है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टीथ वगैरह हाँ देखे तुम्हारे, सर, दांत दांत हाँ दांत देख रहे। दांत में सर कोई जिसके टेढ़ा वगैरह हो तो कोई समस्या नहीं आती सर। नहीं, टेढ़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होती, और काउंटिंग करते हैं और कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे पूरा मुंह मुंह खोलते हैं सर, वो अंदर सर मुंह के अंदर होता है ना छोटा सा, क्या हाँ होता मुंह खोलते होंगे, बिल्कुल मुंह खोल के देखते होंगे। है, मुंह खोल के सर टॉर्च लगा के देखते सर बस। तो थोड़ा सा मुंह अंदर ज्यादा ऐसा नहीं देखते सर, वो मतलब नॉर्मल देखते सर। वो कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है वो देखते सर, एक्सरे वगैरह, एक ब्लड टेस्टिंग यूरिन टेस्टिंग दोनों देखते हैं। अच्छा और और तो और बाकी तो तुम्हारा कुछ कान वगैरह देखा गया होगा। कान में सर एक एक मशीन डाल के देखते सर, अच्छा कोई वॉल्यूम वगैरह तो नहीं सुनवा रहे थे, सिर्फ मशीन डाल के देख रहे थे। वॉल्यूम नहीं सुना रहा सर, एक मतलब मशीन डाल के सर चेक कर रहे हैं मतलब, और मतलब देखते तो ऐसा कुछ है नहीं सर, मतलब मेरा आगे कोई फैल नहीं हुआ सर। प्राइवेट अच्छा और कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह देखे गए होंगे, है ना। पार्ट देखते सर, वो तो बैंड करके देखते सर। अच्छा और वो जिसके कुछ ऊपर नीचे कुछ होते हैं ना कुछ, अच्छा और सर सीधा सा खड़ा करते सर, और फिर ना चेहरा को ना तिरछा मुड़ा के देखते हैं सर। और इसके बाद ना बोलते खांसी करो, तो एक तो खांसी करवाते हैं और एक एक वापस सर ना ऐसे मतलब बैंड करके पीछे से देखते थे थोड़ा सा। अच्छा हाँ सही में झुकाते सर ऐसे ऐसे झुकाते सर ऐसे मतलब है ना, नीचे होकर सर अपने पैर के अंगूठे के मतलब हाथ लगा के कुछ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ वो देखते होंगे ना कि मतलब बॉडी वगैरह मतलब शेप में है नहीं है, ये सब चीजें देखते थे। हाँ सर ये सारे देखते थे। अच्छा और चलो ठीक है, तो ये बताओ कि कोई ऐसा बच्चा तुम्हें मिला जिसको किसी किसी चीज में बाहर निकाला गया, और किस किस चीज में बच्चे बाहर निकले, कोई जानकारी मिली तुमको। हाँ मुझे से इसमें ज्यादा लग रहा है सर जो कलर ब्लाइंडनेस है ना सर, हाँ उसमें ज्यादा लग रहा है। जिसका नहीं हो रहा सर वो क्या है, वहां पर सर एकदम बाहर से अंदर आता ना सर, तो उसे उजाला होता है एकदम, और आके अंदर आते अंदर जाते थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है सर। तो कुछ की ऐसी समस्या आ रही है थोड़ा अच्छा मतलब आईज में जितने ज्यादा फेल हुए, कहने का मतलब। सर। हाँ मुझे लग रहा है सर कि आके जो है जो वो बहुत अच्छे से चेक हो रही है, ज्यादा चेक हो रही है। हाँ आंखों में बिल्कुल बिल्कुल, आंखों में कम से चेकिंग कम ये जो ये प्रोसेस चलते हैं सर, ये लगभग 2 घंटे तक लगातार मतलब चलती है इसमें सर, एक एक बंदे की। तो सभी का प्रोसेस मतलब 7 बजे तक रात शाम तक फिनिश कर दिया गया। हाँ सर 38-40 बंदे थे, 38 बंदे ऐसे कुछ थे, इसमें 3 लड़कियां थी सर। तो 3 लड़कियों के लिए एक सर मैडम आई थी, मैडम उन्होंने चेक किया सर। ओके ओके हाँ मैडम आई होंगी। चलो ठीक है, हाँ बहुत सर अच्छा लगा, तुमने तुम्हारा मेडिकल क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब वेट करो अपने फाइनल मेरिट की, और चलो सब हाँ अच्छा ही सर होगा। ठीक है।